जिला बलिया तहसील क्षेत्र बांसडीह में ग्राम सभा डूही मुसी के समीप ग्राम सभा चांदपुर में पेड़ गिर जाने से एक भैंस की मृत्यु हो गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर दर्जनों परिवार बाढ़ से पीड़ित होकर इनके घरों तक पानी घुस गया, इसलिए अपने पशुओं के साथ यह एक बगीचे में रहते हैं और बगीचे में ही यह पेड़ एक भैंस पर गिर गया है और वह भैंस पेड़ के नीचे दबकर ही उसकी मृत्यु हो गई है। और यह परिवार किसान परिवार है, एक तो पशुओं को खिलाने के लिए चारे की दिक्कत हो रही है और यह परिवार तरपाल तान कर उसी बगीचे में रहने के लिए मजबूर है। ग्रामवासियों के अनुसार लॉकडाउन के बाद बेरोजगार होने के पश्चात यह बाढ़ का पानी उन पर कहर बरसा रहा है और यह घर से पलायन होने को मजबूर हो रहे हैं। यह परिवार कैसे भी मजदूरी करके अपना घर चलाने वाला परिवार है और यह कैसे भी लॉकडाउन में अपना खर्चा इधर उधर से कैसे भी करके अपना जुटा रहा था, खा रहा था, इसी में तब तक बाढ़ ने इन पे कहर बरसा दिया, इनकी फसलें बर्बाद हो गई, इनके घरों में पानी घुस आया, ये घर छोड़कर बगीचे में भागने के लिए मजबूर हो गए अपने पशुओं के साथ, तभी ये पेड़ गिर जाने से एक भैंस की भी जान चली गई। बहुत ही दुखद घटना है और मैं अपने बाल बच्चे को पालने वाला परिवार है और लॉकडाउन की वजह से यह बिल्कुल ही बेरोजगार पड़ गया है और साथ ही साथ लॉकडाउन के बाद बाढ़ ने भी इन पे कहर बरसा दिया और इनके घरों तक पानी पहुंच गया और यह घर में पानी पहुंचने के बाद यह बगीचे में अपने पशुओं के साथ रहने के लिए मजबूर हो गए और इनको बहुत सारी तकलीफें वहाँ पे तरपाल तान के रहना पड़ रहा है, अपने पशुओं के साथ रहना पड़ रहा है। इसी बीच यह एक और आपदा उन पे आ पड़ी, एक पेड़ उनके भैंस के ऊपर गिर गया और उनकी भैंस ने दम तोड़ दिया। यह भैंस गटर राजभर जी की बताई जा रही है। गटर राजभर जी का कहना है कि मुझे मुआवजा मिलना चाहिए क्योंकि अभी बेरोजगारी के साथ साथ बाढ़ ने भी उनके फसलों को ख़त्म कर दिया और इधर पेड़ उनके पशु पे गिर गया, इसकी वजह से उनके भैंस की मृत्यु हो गई और वह बार बार अधिकारियों से और सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। यहाँ दर्जनों परिवार ऐसे ही रहने को मजबूर है और जब से बाढ़ हुआ है लगभग 1.5 महीने से यह परिवार इसी बगीचे में रह रहा है और इनके लिए कोई कहीं से कोई व्यवस्था भी नहीं हो पाई है, ना पशुओं के लिए कहीं से कुछ चारा पहुंचाया गया है, ना इनके लिए कोई सुविधाएं पहुंच पाई हैं। अब देखते हैं है और जब से पशु की मृत्यु हुई है तब से पशु के मालिक गटर राजभर जी का रो रो कर बहुत ही बुरा हाल है। ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।